हेलो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, राष्ट्रीय का लेखांकन के टॉप 20 एमसीक्यूज, यानी कि 20 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाले जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बेस्ट चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ आपके एग्जाम की बेटर प्रिपरेशन के लिए। बिना किसी बकवास के, बिना किसी गॉसिप के चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादों के द्वारा जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, उनकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है GDP MP, GDP FC, NNP FC, NNP MP। तो राइट आंसर है कि किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी बाजार मूल्य का योग जो होता है GDP MP होता है। दैट इज राइट आंसर इज ए, GDP MP इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, सकल निवेश, घरेलू आय, इनमें से कोई नहीं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसमें होते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब NNP, साधन लागत मीन्स FC, NNP FC को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय को ही शॉर्टकट में NNP FC कहा जाता है। ठीक है ना, दिस इज अवर आंसर ए। क्या सत्य है? चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन क्या क्या है? GNP इक्वल टू GDP प्लस घिसावट, NNP इक्वल टू GNP प्लस घिसावट। घिसावट मतलब क्या होता है? घिसावट मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, यानी कि मूल्यह्रास बिल्कुल बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है ना, और NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट, और GNP इक्वल टू NNP माइनस घिसावट। भाई घिसावट मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तभी आ सकता है। तो N जब हमें N मतलब नेट निकालना हो, और डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस में से नेट निकालने के लिए माइनस किया जाता है, यानी कि G में से डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तभी नेट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये वाला सिचुएशन केवल इस ऑप्शन में है, NNP इक्वल टू GNP माइनस घिसावट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू आय से प्राप्त कारक बराबर है। सरकारी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त जो कारक आय है, जो उनकी आय है वो बराबर है किसके? पहला, विभाग के उद्यमों को जाने वाली संपत्ति तथा उद्यम वृद्धि से प्राप्त सरकारी आय के। बी, गैर विभाग के उद्यमों की बचतें। सी, दोनों ए तथा बी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन GDP को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बताता है? GDP को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बताता है, गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यता है, GDP का वितरण, रचना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अनुपयुक्त सूचक मतलब आपको पता है कल्याण, जो मानव कल्याण की बात करता है, और GDP जो है हमेशा अर्थ की बात करता है, इसमें रुपए पैसे संबंधित होता है। यहाँ पर कल्याण जो जुड़ा रहता है वो अर्थ से जुड़ा रहता है। इसका मतलब अनुपयुक्त सूचक किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये गैर मौद्रिक लेन देन, बाह्यता है, GDP वितरण, रचना, उपरोक्त सभी के कारण, क्योंकि इसके अंदर ये सब नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 6, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है। इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अनुमान किसके आधार पर किया जाता है? प्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, दोनों बी तथा सी। तो सही आंसर कौन सा आएगा? ध्यान में रखिएगा कि सही आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को घटा दिया जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है केवल कारक आय से, देश के केवल सामान्य निवासियों की आय से, घरेलू आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ से, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है ये सारी की सारी राष्ट्रीय आय, क्योंकि राष्ट्रीय आय कारक आय भी है, राष्ट्रीय आय सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय भी है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय विदेशी, सब जो है राष्ट्रीय आय के बारे में बताता नहीं कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक पीड़ित को दी गई वित्तीय सहायता क्या कहलाती है? हस्तांतरण, भुगतान, काराकाय, विदेशों से प्राप्त साधन, इनमें से कोई। पीड़ित को सहायता जो है एक पक्षीय होता है, बदले में से कुछ लिया नहीं जाता, और एक पक्षीय जो सहायता होता है, एक पक्षीय भुगतान होता है, उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिक आय, व्यक्तिक आय क्या होता है? दैट मीन्स पर्सनल इनकम। एक होता है प्राइवेट इनकम, एक होता है पर्सनल इनकम। प्राइवेट इनकम इनकी निजी आय, पर्सनल इनकम इन व्यक्तिक आय। तो इसमें से व्यक्तिक आय का फॉर्मूला कौन सा हुआ जो बताता है उसका इक्वेशन? व्यक्तिक आय बराबर निजी आय प्लस निगम लाभ कर माइनस आवर्तित लाभ। बी, निजी आय प्लस निगम लाभ कर प्लस आवर्तित लाभ। सी, निजी आय प्लस निगम लाभ कर माइनस अप्रत्यक्ष कर। डी, निजी आय माइनस निगम लाभ कर माइनस आवर्तित। अगर आपने व्यक्तिगत आय के बारे में पढ़ा हो तो ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिगत आय निकालने का फॉर्मूला होता है निजी आय में से करों को माइनस कर दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, निजी आय माइनस निगम लाभ कर माइनस आवर्तित लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सामान्य निवासी का उदाहरण है? इसमें से कौन सा सामान्य निवासी के बारे में बताता है, जो सामान्य निवासी है? पहला, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन से काम करने वाले विदेशी मजदूर। भाई विदेशी मजदूर है ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो भारत का होना चाहिए। भारत में शेष विश्व के राजदूत, शेष विश्व से राजदूत अगर भारत में आकर रहता है तो ये भी नहीं है। भारत में स्थित IMF के कर्मचारी में काम करने वाले जर्मन निदेश, जर्मनी के निदेशक, तो ये तो नहीं होगा। यानी कि जब तीनों नहीं है तो लास्ट वाला जरूर आंसर होगा, शेष भारत में भारत का राजदूत। भारत का राजदूत जो शेष भारत में रहते हैं वो भारत का सामान्य निवासी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने, ये स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। क्वेश्चन 12, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सी सेवाएं सम्मिलित होती है? खनन, संचार, निर्माण या मछली पालन। पर तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, इसमें से सेवा कौन सा है? खनन कृषि से संबंधित है, निर्माण कारखानों से संबंधित, उत्पादन संबंधित, मछली पालन कृषि संबंधित है, यानी कि बच्चा संचार ये सेवा से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आय के आकलन में, राष्ट्रीय आय के आकलन में किस वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है? अगर राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कोई भी एक या वस्तु उससे एक से अधिक बार आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? एकल गणना, दोहरी गणना, बहुल गणना, इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोला जाता है दोहरी गणना, एक से अधिक बार आना, यानी कि दोहरी गणना। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचलन अधिशेष क्या होता है? ए, लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज। बी, लगान प्लस ब्याज प्लस वेतन। सी, NDPFC प्लस विदों से सुसाधन आए। डी, उपरोक्त सभी, चारों के सारों सही है या कोई एक। आप प्रचलन अधिशेष का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के संचालन से संबंधित जो आय होता है उसे कहते हैं। और संचालन से जो आय होता है वो कौन कौन होता है? लगान होता है, लाभ होता है, ब्याज होता है। यानी चारों में से ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लगान प्लस लाभ प्लस ब्याज। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यय का एक भाग नहीं है, जो अंतिम व्यय के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा है? सरकार द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुएं, जितनी भी उपभोक्ता वस्तुएं थी वो सारी अंतिम व्यय है, व्यय होती है, तो ये तो होगा ही। शेष विश्व को निर्यात की गई उपभोक्ता वस्तु, ये भी उपभोक्ता वस्तु है भाई, ये भी अंतिम वस्तु में आती हैं। किसानों द्वारा खरीदे गए बीज, किसान बीज किस लिए खरीदता है? उत्पाद खेतों में, और जो प्रकृति के लिए जो प्रयोग होता है वो अंतिम वस्तु में ही आ जाता है। इसका मतलब सरकारी स्थिर निवेश है। तो ये कौन सा अंतिम व्यय का एक भाग नहीं है? इसका मतलब तीनों जब इसके भाग है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सरकारी स्थिर निवेश आय जो व्यय का भाग नहीं है, ये आय का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इसमें चारों में से कोई एक है जो राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। नई अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय। इसमें से कौन सा शामिल होगा आपके अनुसार, या उपरोक्त सभी? तो मेरे अकॉर्डिंग नई अंतिम वस्तु का मूल्य तो शामिल होता ही है। कंपनियों ने विदेश में अर्जित किया तो विदेशी जो है विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय होगी। यानी कि जब ये दोनों है और इसमें उपरोक्त सभी है तो डी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सेवाओं के 100 लेखा उत्पादन को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि सेवाओं का 100 लेखा उत्पादन, कोई भी सेवा जो खुद के उत्पादन के लिए हो जाता है, खुद के द्वारा उत्पादन किया जाता है सेवाओं का, उसे राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता, क्यों? पहला, ऐसी सेवाओं के बाजार मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। दूसरा,
सेवाओं और या वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं, सेवाएं उत्पादक नहीं होती हैं, इनमें से कोई भी सेवाएं उत्पादक नहीं होती, ये गलत है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। इसको तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसी सेवाओं का बाजार मूल्य मापने में कठिनाई होती है। बाजार मूल्य कैसे मापेंगे, क्योंकि सेवा खुद के द्वारा की गई है, जैसे खुद के खेत में किसान के खुद के खेत में किसान द्वारा किया गया काम, उसका कैसे हम अध्ययन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, इस कठिनाई होती है, इसलिए सेवाओं का सौलेखा मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किस मद को शामिल नहीं करते हैं, किराया, स्थिर निवेश, लाभ या मिश्रित आय। आय विधि में क्या शामिल नहीं होता है, ये हो गया किराया आता है, लाभ आता है, मिश्रित आय भी आता है, इसका मतलब बचा बी, स्थिर निवेश आय, ये राइट आंसर है हमारा, जो राष्ट्रीय आय में आय विधि के अंतर्गत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विदेशों में कार्यरत रिश्तेदार द्वारा भेजी गई राशि क्या कहलाती है। आपका कोई रिश्तेदार विदेशों में रहता है और विदेशों से यहाँ पर भेजा गया देश में, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ये हस्तांतरण भुगतान होता है, डी, दोनों बी या सी होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका कोई, ठीक है, रिश्तेदार आपको भेज रहा है, तो आपको भेज रहा है कि आपने कुछ उसको नहीं दिया था, बदले में भेज रहा है, तो एक तरफा हो गया, जब एक तरफा हो गया तो हस्तांतरण भुगतान हुआ। और दूसरा ये है कि ये राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, इसका मतलब ये बी और सी दोनों सही है, दैट मीन्स डी नंबर, बी एंड सी। मूल वृद्धि से अभिप्राय है टिकाऊ वस्तु का उत्पादन, उत्पाद माइनस मध्यवर्ती उपभोग, गैर टिकाऊ वस्तु का उत्पादन, उत्पाद प्लस मध्यवर्ती। मूल्य वृद्धि टिकाऊ वस्तु का उत्पादन तो नहीं आता है, ये तो नहीं होगा, गैर टिकाऊ वस्तु ये भी नहीं होगा, अब इन दोनों से कोई होगा। ध्यान में रखें मूल्य वृद्धि का जो फार्मूला होता है उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। तो ये होगा आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 के। इसी तरह वेट कीजिए चैप्टर 3 के, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, बस बने रहने की जरूरत है आपको मेरे साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा फेवर ये कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं जो है फ्री में, आपको कोई कॉस्ट नहीं, बस मेरे लिए बस एक ही काम कीजिए, आपके दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।